लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, जो मैंने आपके साथ केप पैटर्न शेयर किया था, केप डिज़ाइन शेयर किया था, उसका ड्राफ्टिंग। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको स्टिचिंग कटिंग का कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सो गाइस, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है ये उसी पर होने वाला है। तो गाइस, ये वीडियो होने वाला है 3 पार्ट्स में। जो आज का जो वीडियो है, मैं उसमें आपको ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ, सेकेंड जो वीडियो होगा उसमें आपको कटिंग बताऊँगी, और थर्ड वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि ये सारी वीडियोस आप देखो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये केप पैटर्न का ड्राफ्टिंग है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इजी है गाइस, आप इसे बस एक बार ही देख लोगे ना तो इसे आप इससे बना लोगे। ओके, सो मैं आप इसको थोड़ा अच्छे से बताती हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको आपके आप अगर चाहते हो कि आपके फैब्रिक पे इसको डिज़ाइन करें या इसकी कटिंग करें, तो आपको समझ में आ जाए कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। ओके गाइस, तो जो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये है नेक वाला पॉइंट। ओके, सो ये नेक पॉइंट से लेके हमें इस पॉइंट तक हमारा फुल लेंथ जो होता है, हम हमारे जो साइड वाली जो लेंथ हम जितनी रखना चाहते हैं उतना हमें मेजरमेंट लेकर उसमें 2 इंच ऐड करने हैं। ओके गाइस, ओके, सो यहाँ जो है ये डॉट डॉट जो लाइन है, ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है, इसमें हमने 2 इंच ऐड करने के बाद ये कुछ इतना हो जाएगा। ओके, जो आपके ऊपर है गाइस, आप जितनी लेंथ रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आपको आपकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो लेनी है, और उसमें आपको कुछ नहीं करना गाइस, सिर्फ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आपको 2 इंच ऐड करने। ओके, सो गाइस आप ये देख सकते हो कितना ईजी है ये के पैटर्न बनाना। जब मैंने भी जब बनाया था, मतलब तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था ये पैटर्न, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है गाइस, आप इसको कभी भी कैसे भी कोई भी फैब्रिक पे बना सकते हो घर बैठे बैठे। सो गाइस, अब आती है नेक की बारी। नेक के लिए हमें क्या करना है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आपका आप जितना वाइड चाहते हो आपका नेक, वो उतना मेजरमेंट लेकर सेम मेजरमेंट लेना है। आप यहाँ जितना ले रहे हो आपको यहाँ भी उतना ही लेना है। ओके गाइस, आप जितना डीप चाहते हो उतना आप मेजरमेंट लेकर इसको ऐसे राउंड शेप में कट कर लें। ओके, या ऐसे ड्रॉ कर लें। ओके गाइस, सो ये हो गया हमारा केप। ये केप मुझे आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस। मैं फिर से आपको इसका स्ट्रक्चर जो ठीक से बताती हूँ। नेक पॉइंट से लेके एंड वाले पॉइंट तक हमें जो हमारा लेंथ है वो लेकर उसमें बस 2 इंच ऐड करने हैं, और हमारी जो लेंथ है उसमें भी हम जितनी लेंथ लेंगे, आपके ऊपर है, आप जितनी भी लेंथ लो आप, लेकिन उसमें बस 2 इंच ऐड करना मत भूलना, क्योंकि जो नेक की जो हेमिंग होगी उसमें कपड़ा जाएगा, और नीचे वाली जो आप जो भी करोगे, हेमिंग करोगे या जो भी होगा आपका पीको वगैरह, उसमें भी जो है फिनिशिंग के लिए आपका फैब्रिक लगेगा। सो आप कंपलसरी इसमें 2 इंच ऐड करो गाइस। अगर आप पीको वगैरह कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इतना कपड़ा लगेगा, तो आप उससे एक बार मेजरमेंट करके आप उसे कट भी कर सकते हो, लेकिन आपके लेंथ के हिसाब से अगर ये कम हो रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस, आप जब भी जितना भी ले रहे हो लेंथ इसकी केप की, उसमें 2 इंच ऐड करना मत भूलना। और आपको ये 4 फोल्ड पे डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि यहाँ से फोल्ड होगा, ये ऑब्वियसली 4 फोल्ड पे ही इसका कटिंग होगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है। और इसके बाद हम देखेंगे बोर्डा इसका कटिंग। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी गाइस, उसमें मैंने सेम यही पैटर्न क्रिएट किया था, और मुझे जो कमेंट्स आए, इसलिए मैं चाहती थी कि
ये वीडियो आपके लिए क्रिएट करूँ। सो गाइस, इसका जो ड्राफ्टिंग में कुछ भी नहीं है गाइस, आप ये कर सकते हो। आपको बस एक स्ट्रक्चर समझना है और ये बहुत ज़्यादा इजी है गाइस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो ये चलो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके पास ये ऐसे ही रहे, और जब भी आप कोई फैब्रिक कटिंग करने के लिए लो तो आपके ये साथ रहे ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेजरमेंट्स कितने लेने। सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इजी है। सो गाइस, ये जो है हमारा अभी बोर्डा, इसका जो ड्राफ्टिंग है मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप अभी निकाल सकते हो ताकि आपके पास ऐसे ही रहे। ओके गाइस, सो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो ड्राफ्टिंग है वो कैसे है। अगर आप बिगिनर हो गाइस, अगर आप अभी अभी सीख रहे हो तो आपको ये मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आपने अभी तक जितने भी ड्राफ्टिंग कटिंग की जो भी कुछ देखा होगा या सर्च किया होगा, उसमें से मैंने भी बहुत ज़्यादा सर्च किया है, उसमें से बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि बोडाइस का कटिंग कैसे होता है या इसका ड्राफ्टिंग कैसे होता है। सो गाइस, ये जो हमारा नेक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, नेक पॉइंट से लेके यहाँ तक जो है हमें हमारा बोडाइस का लेंथ लेना है। ओके, बोडाइस का लेंथ लेकर हमें यहाँ 1.5 इंच जो होता है वो ऐड करना है। ओके गाइस, देन अगेन यहाँ से ये जो नेक पॉइंट है वहाँ से लेकर हमें इस पॉइंट तक हमारा जो भी शोल्डर है उसका मेजरमेंट ऐड करना है। ओके, देन हमें हमारा जो हमने केप का जितना भी नेक लिया था उस हिसाब से हमें इसका नेक कटिंग करना है गाइस, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि केप के साथ आपका नेक जॉइंट हो या आप इसको ये जॉइंट करना चाहते हो आपके बोडाइस को, तो उसका और इसका जो मेजरमेंट है गाइस वो सेम होना चाहिए। ओके, सो इसके हिसाब से ही हम आर्म होल ले लेंगे, और देन हमें चेस्ट में क्या करना है, जो चेस्ट मेजरमेंट होता है उसमें प्लस हमें 2 इंच ऐड करने हैं। ओके, सो इस वजह से क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। देन हमें वेस्ट में भी वैसे ही करना है, हमारा जो कमर होता है हमें उसमें भी 2 इंच मिलाना ही है। बस टक्स वगैरह जो होता है वो अगर यहाँ आप ये करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। विदाउट जो टक्स होता है उसके बिना भी आप बोडाइस क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो मैं इसे आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहले तो आपको लेना है फोल्डेड फैब्रिक। ओके, भले वो फोर फोल्ड हो या आप इसकी सिंगल कटिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि उसका सिंगल कटिंग करे, तो आप 2 फोल्ड फैब्रिक ले सकते हो, या 4 फोल्ड लोगे तो एक ही बार में बैक एंड फ्रंट दोनों की कटिंग हो जाएगी। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि उसका आगे का जो आर्म होल होता है, जो फ्रंट आर्म होल होता है वो थोड़ा अंदर के साइड होता है, और जो बैक होता है वो थोड़ा बाहर के साइड होता है, ताकि ये आपकी फिटिंग में अच्छे से आ जाए। और आप स्लीवलेस अगर बना रहे हो तो इस अंदर वाले आर्म होल को, जो फ्रंट आर्म होल होता है, उसको और ज़्यादा अंदर कर्व शेप दे देना, ताकि वो आपके आर्म होल में, फ्रंट आर्म होल में अच्छे से बैठ जाए। ओके, और ये जो मैंने यहाँ थोड़ा सा नीचे जो ये शेप दिया है ऐसे, वो इसलिए है गाइस ताकि आपकी शोल्डर पे ये अच्छे से फिट हो जाए। कभी कभी ऐसे भी होता है, जो हमारा बोडाइस होता है या हमारा जो भी गाउन वगैरह हम उसको क्रिएट करते हैं, तो हमारा शोल्डर से नीचे उतर जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता गाइस। सो गाइस, ये रहा हमारा नीचे वाला घेरा। आप चाहते हो तो बोडाइस और जो नीचे वाला घेरा होता है उसकी कटिंग एक साथ कर सकते हो, लेकिन मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया था उसके ड्राफ्टिंग में मैंने उसमें प्लीट्स डाली थी, इसलिए मैंने स्ट्रेट फैब्रिक लिया था, उसमें ना नीचे कोई कर्व दिया था, ना कोई गोलाई दी थी, ना कुछ। ओके गाइस, तो हमें बस ऐसे स्ट्रेट कपड़ा लेना है, चाहे वो 4 फोल्ड हो
या आप एक ही बार में उसका आपको कटिंग करना हो या कैसे भी चलेगा गाइस, लेकिन अगर आपका टू फोल्ड होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके गाइस, तो इस तरह से हमारा जो है फैब्रिक होगा, हमें बस क्या करना है, इसमें हमें बस 2 इंच ऐड करने। ओके, हमारा जो बोडाइस होता है हमें बस हमारे फुल लेंथ में से उसको माइनस करना है। ओके, और उसका जो 1 इंच जो होगा वो इधर चला जाएगा हमारा ऊपर की जो हम प्लीट्स इसमें डालेंगे गाइस उसके लिए, और नीचे वाला जो होगा वो हेमिंग के लिए चला जाएगा। सो 2 इंच कंपलसरी आपको लेने ही लेने हैं गाइस, ताकि आपका जो कपड़ा है वो हेमिंग के लिए या जो प्लीट्स आप ये करोगे डालोगे उसके लिए कम ना पड़े। सो गाइस, ये जो था ये फुल ड्राफ्टिंग था। आप चाहे तो इस तरह से इसका फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा जो मैंने केप पैटर्न का जो पूरा ड्राफ्टिंग है आपके साथ शेयर किया है, अगर तभी भी आपको उसमें कोई भी डाउट लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करूँगी। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये समझना, लेकिन अगर आप पहले से ही ये जानते हो, ड्राफ्टिंग जानते हो, कटिंग स्टिचिंग का आपके पास नॉलेज है, तो आप बहुत ईजीली इसको समझ जाओगे गाइस। सो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, बाय।